औरंगाबाद के दाऊदनगर में आग की जानलेवा लपटों में 12 लोगों की जिंदगी खाक हो गई। मृतकों में 7 लोग एक ही परिवार के थे। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। हादसे का दर्दनाक पहलू ये है कि मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। औरंगाबाद जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर दाऊदनगर के हरिबीघा में ये हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए, जिन्हें दाऊदनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि अगरबत्ती की चिंगारी ने 2 घरों को अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद घटना सामने आई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आग लगने की तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई थी, लेकिन वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच सकी। कैसे आग लगा? उस मड़े में से आग लगा पहले, और हम लफार मारने से हमको घर पर क्षति कर दिया। अरे का हो रहा था मड़ई में? ओझाई पझाई हो रहा था, आपको क्यों हो रहा था? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में आग लगा, आग लगने के बाद में हमको भी धर लिया। जो जानकारी है कि आग कुछ दिया या अगरबत्ती जल रही थी और उसी से आग स्प्रेड हुई बढ़ी, और जो उसके बगल में घर है, इंदिरा आवास का जो घर है, उसमें जो लोग सोए हुए थे उनकी कैजुअल्टी हो गई है। और मेन वही कारण है कि खुद से आग स्प्रेड हुई, उन लोग भागने का मौका नहीं मिल पाए क्योंकि सब सोए हुए थे। कितने मरने की संख्या हुई? अभी तो यहाँ पे हम लोगों का जो आकलन है, बॉडीज बुरी तरह क्योंकि डैमेज्ड है और मिक्स हो गई हैं जल के आपस में, लेकिन जो पूछताछ है और जो अंदर हम लोगों ने देखा है तो 10 से 12 बॉडीज का हम लोगों को कैजुअल्टी का अनुमान है।